फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आज की क्लास में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी यूनिट है यूनिट सेकंड। के बच्चों, इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड और यूनिट सेवन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मैंने आपको करा दी है। इसके आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना दिया था वो किसने दिया था? फर्स्ट है इसमें बोहर, सेकंड है इसमें मैक्सवेल, थर्ड आइंस्टीन या फिर प्लांक। प्लांक ने तो दिया नहीं था। बी इसमें क्या है? मैक्सवेल, उन्होंने भी नहीं दिया। ए था बोहर, बोहर का अलग मॉडल था, उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया। तो लास्ट जो हमारा सी ऑप्शन है आइंस्टीन, उन्होंने दिया था हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो टर्म थी या फिनोमिना था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने, ठीक है? तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकंड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्रोगली इक्वेशन। इसमें से कौन सी डी ब्रोगली इक्वेशन है? देखो, फर्स्ट है इसमें हमारी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू यू, या फिर एम वी बोल सकते हो आप इसको। बी है इसमें एम आर वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, या फिर सी आता है हमारा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इनमें से कौन सी? इनमें से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो होती है हमारी क्या? डी ब्रोगली इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन आता है विच इज इनकरेक्ट इक्वेशन फॉर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था अनसर्टिनिटी का, उसके लिए जो इक्वेशन थी इसमें से देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, या फिर डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, या फिर डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स। तो इसमें जो हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है? एच अपॉन फोर पाई, और सेकंड में क्या है? एच अपॉन टू पाई। तो हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है? एच अपॉन टू पाई होता है। मैंने आपको जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था हाइजेनबर्ग का, तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन इज इक्वल टू फोर। इज एन इज इक्वल टू फोर में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे? देखो, जब मैंने आपको वो पढ़ाई थी ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें बताया था कि ऑर्बिटल की हम जो संख्या निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? एन स्क्वायर से, नंबर ऑफ सेल्स निकालते हैं हम एन स्क्वायर से। तो इसमें एन की वैल्यू क्या दे रखी है? मैं फोर दे रखी है, तो फोर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिक्सटीन। फोर का जब स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी इज राइटिंग एज। जो वेव फंक्शन होता है हमारा किसके लिए? अकॉर्डिंग टू वीबीटी के लिए वो क्या होता है? वो क्या होता है हमारा? साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ये मैंने आपको कराया था, ठीक है? जो वेव फंक्शन पढ़ाए थे उसमें कराया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ ए इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो वैल्यू होती है ए की वो क्या होती है? विल बी वन होती है या फिर जीरो होती है, माइनस वन होती है या फिर डी इनफाइनाइट। तो देखो, जब मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई थी तो उसमें क्या कराया था? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इजिकल टू साई इंटू जीरो ई माइनस बी इजिकल टू जीरो लिखाया था ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? इसमें जीरो होती है इसमें वैल्यू, ठीक है? ए की। तो क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से जो हाईएस्ट एनर्जी होगी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी? तो मैंने आपको बताया था जो हमारे सिग्मा टू सिग्मा स्टार होते हैं या फिर सिग्मा टू एन टू सिग्मा स्टार होते हैं उनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो देखो, इसमें हमारी जो होगी सिग्मा स्टार टू पी जेड ऑर्बिटल की जो होगी वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी वैसे भी नॉर्मली बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, ठीक है? और वैसे भी सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में रखते हैं, फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई इक्वल टू ई, अगर हम एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? तो हैमिल्टोनियन को यूज करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो कैसा होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है? इसके बाद 10 आता है हमारा क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज।
फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर के बीच हमारा क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बी इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सेकेंड ऑप्शन बी इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू बार वी न्यू बार, और सी होता है हमारा इसमें न्यू वी इज इक्वल टू सी वी बार, और डी होता है हमारा न्यू इज इक्वल टू सी वी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा, न्यू इसमें देखो वी बार न्यू इज इक्वल टू सी वी बार, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और वेव नंबर में, वेव नंबर हमारी मैंने आपको बताया था वेव नंबर क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो रिलेशन हमारा ये वाला होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी, इसमें पूछा है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी। तो देखो फर्स्ट है इसमें सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz या फिर सिग्मा 1s या फिर सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz, इसमें सारे में सिग्मा के दे दिए, तो इसमें क्या होगा जो सिग्मा 1s होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या होगी वन सेल होगा इसमें, तो ये सबसे कम कैसा होगा सबसे कम एनर्जी का होगा। ठीक है, सिग्मा 1s जो होगा इसमें हमारा वो सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 2p ऑर्बिटल इज, मैंने आपको बताया था जो 2p ऑर्बिटल होते हैं, जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे तो आपको बताया था जो हमारे p ऑर्बिटल होते हैं उनमें नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कितनी आती है हमारी 1 होती है। तो इसमें क्या पूछा है रेडियल नोड्स फॉर 2p 3p ऑर्बिटल इज क्या होगी। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन 0 दे रखा है, बी है इसमें 1 या फिर सी या फिर नन ऑफ दिस, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन होगा फर्स्ट यानी कि 1, एक नोडल प्लेन होगा उसमें एक नोड्स होगा, तो वो ये क्या है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्टन इक्वेशन डेल लैम्डा इज इक्वल टू, कॉम्प्टन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल लैम्डा की वैल्यू क्या होती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एम, यहाँ पर बच्चों एम नोट होगा ये। ठीक है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा एम नोट इंटू सी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा, या सी ऑप्शन डेल लैम्डा इज इक्वल टू एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एच। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो हमारी कैसी होगी करेक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, कॉम्प्टन इफेक्ट के लिए जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एम नोट सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों ये थे हमारे यूनिट सेकंड के। ठीक है, ये यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट यूनिट मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो मैंने आपको करा दी है 7th यूनिट उसके देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने आपको जो यूनिट स्टार्ट की थी ये 7th मास स्पेक्ट्रोमेट्री तब भी बताया था कि ये हमारी बहुत छोटी यूनिट है तो इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि जब यूनिट ही छोटी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे इसके। ठीक है, तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट है इसमें इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास टू चार्ज रेशियो इज गिवन बाय, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास और चार्ज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने यूनिट पढ़ाई थी ना ये कौन सी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो मैंने आपको बताया था जो इसका प्रिंसिपल होता है उसका बस ये फॉर्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एच अपॉन ई एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको जब इसका प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि मास और चार्ज का रेशियो क्या होता है इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो फर्स्ट ऑप्शन है देखो एम अपॉन ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2v, या फिर एम अपॉन ई इज इक्वल टू एच आर स्क्वायर अपॉन 2v, एम अपॉन ई इज इक्वल टू एच आर स्क्वायर एच स्क्वायर आर अपॉन 2v। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा एम अपॉन ई वाला इज इक्वल टू एच आर एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2v, ये हमारा कैसा होगा करेक्ट आंसर। जो मास और चार्ज का रेशियो होता है वो यही तो होता है, मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक इज मैक्सिमम फॉर अमंग फॉलोइंग, इनमें इसमें क्या पूछा है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो रिलेटिव हाइट होती है पेरेंट पीक की फॉर अमंग द फॉलोइंग किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट आता है इसमें हमारे कीटोन्स, सेकेंड है जमीन, एस्टर एरोमेटिक, मैंने आपको वो बनवाया था एक इसका एक क्या बनाया था ऑर्डर बनवाया था, तो सबसे पहले क्या था उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो कैसा होगा करेक्ट आंसर होगा, कीटोन भी नहीं होगा अमीन्स एस्टर ये बाद में आते हैं, फर्स्ट हमारा क्या आता है एरोमेटिक, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड आता है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक इज मिनिमम 4,
जो रिलेटिव हाइट की रिलेटिव हाइट होती है पेरेंट पीक की, वो मिनिमम सबसे किसमें होती है ब्रांच हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बता दी, जो मैंने आपको ऑर्डर बनवाया था इसका पेरेंट पीक का, तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आ रहा था, ब्रांच हाइड्रोकार्बन लिखाई हुई थी मैंने आपको, तो उसकी सबसे कम रिलेटिव हाइट होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, एट लो एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिथेन अंडरगोस डिसोसिएशन एंड गिव्स। जब हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिथेन, लो एनर्जी पे मिथेन का डिसोसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH4। मैंने आपको ये भी बताया था क्वेश्चन, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको डिसोसिएशन और फ्रेगमेंटेशन बताया था ना, ये भी उसी में था, CH4 प्लस पॉजिटिव बनेगा हमारा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जब हम इसे क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी लफार्टे रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स, एमसी लफार्टे रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व्स होता है, क्या होता है, फर्स्ट देखो, 1-2 हाइड्रोजन एटम माइग्रेशन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, 1-1 और 2 पोजीशन से हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन एटम पे, या फिर बी ऑप्शन है, 1-3 हाइड्रोजन एटम माइग्रेशन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, 1-3 हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम पर, या फिर सी ऑप्शन है, 1-4 हाइड्रोजन एटम माइग्रेशन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। जब मैंने आपको एमसी लफार्टे रीअरेंजमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, जो इसके स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, उसमें जो हमारा सेकंड स्टेप था वो क्या था, सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो हमारा 1-4 हाइड्रोजन होता है उसका माइग्रेशन कराते हैं हम कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम पर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसमें ये तो इन्वॉल्व होता है सिर्फ पार्टिकल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी में देखो, जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था उसी से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके थ्योरी से ही आते हैं, कहीं से अलग से नहीं आते, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिट सेकंड और यूनिट सेवेंथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।